प्री वर्कआउट। जी हाँ दोस्तों, प्री वर्कआउट ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है वर्कआउट से पहले कोई ऐसा सप्लीमेंट लेना जिससे हमारा वर्कआउट बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। बट क्या ये सभी प्री वर्कआउट इसी तरह से काम करते हैं? क्या सभी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं? क्या सभी प्री वर्कआउट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं? कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पंप्स की ज़रूरत होती है। कुछ एथलीट ऐसे होते हैं जिनका एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का मूड नहीं होता है और उनको फोकस चाहिए होता है। सभी एथलीट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को स्ट्रेंथ चाहिए, किसी को पंप चाहिए, किसी को फोकस चाहिए। और कुछ एथलीट ऐसे होते हैं जिन्हें स्ट्रेंथ और पंप चाहिए, फोकस की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ एथलीट्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्ट्रेंथ, पंप और फोकस तीनों ही चाहिए होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी एथलीट्स होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग से, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग से जुड़े होते हैं, उनको इन तीनों चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत होती है। जो लोग पावर लिफ्टिंग या स्ट्रॉन्ग मैन वगैरह से जुड़े होते हैं उनको इतना पंप की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्ट्रेंथ और फोकस पर ज़्यादा अपना माइंड लगाते हैं। तो इसी तरह का एक प्री वर्कआउट जो मार्केट में काफ़ी टाइम से आ रहा है और जिसकी डिमांड मार्केट में एक अलग ही लेवल की है, और ये एक ऐसा प्री वर्कआउट है जिसे हर कोई एथलीट यूज़ करना एकदम से नहीं चाहता है। पहले इसे सोचते हैं एथलीट्स यूज़ करने से पहले, एक बार सोचते ज़रूर हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हाई पावर का प्री वर्कआउट होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इसके लेवल का प्री वर्कआउट अभी तो मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्री वर्कआउट के नाम पर इंजेक्टेबल और एम्प और टर्मिन वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि एकदम बुलशिट है, जो कभी भी किसी भी बंदे को यूज़ नहीं करनी चाहिए। और जिनको अगर वो यूज़ करना है तो मैं उनके ऐसे एथलीट्स जो कि एम्प और टर्मिन वगैरह यूज़ करने जा रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और एक बार जस्ट फॉर ट्राई आप ये वाला प्री वर्कआउट यूज़ करके देखें। मैं ये नहीं कहता कि इसमें एम्प या टर्मिन जितना इफ़ेक्ट आएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन आपको कोई भी अगर प्री वर्कआउट आपने यूज़ करा है तो उसके लेवल का आपको इसमें इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। एक काफ़ी अच्छे लेवल का आपको इसमें इफ़ेक्ट आएगा, बहुत ही इंसेन आप में एनर्जी आएगी, फोकस आपका बनेगा इसमें बहुत ही अच्छा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि ये कंपनी खुद कहती है कि इसको लेट नाइट तो कभी भी इवनिंग में यूज़ ना करें, नहीं तो आपको ये रात भर सोने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक हाई स्टिम प्री वर्कआउट है। दोस्तों जिस प्री वर्कआउट की मैं बात कर रहा हूँ वो है इंसेन लैब्स का साइकोटिक प्री वर्कआउट। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं हूं आपका दोस्त महफूज और आप सभी देख रहे हैं ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड। तो दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं, इंसेन लैब्स USA की एक काफ़ी जानी मानी कंपनी है जो कि प्री वर्कआउट्स की काफ़ी अच्छी रेंज बनाती है। प्रोटीन और गेनर्स वगैरह भी ये बनाती है, मगर जो प्री वर्कआउट में इसका स्पेशलिटी है वो कहीं और नहीं है। ये 3 या 4 तरह के प्री वर्कआउट बनाती है और मोस्टली हाई स्टीम प्री वर्कआउट बनाती है। तो आज मैं जिस प्री वर्कआउट का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है इंसेन लैब्स का साइकोटिक प्री वर्कआउट। तो दोस्तों इसमें जो जार है साइकोटिक प्री वर्कआउट का वो 219 ग्राम्स का है और 35 सर्विंग्स के ऑलमोस्ट इसमें दिखाई गई हैं। 6.3 ग्राम का एक इसमें स्कूप है, जो इसकी सर्विंग साइज़ है वो 1 स्कूप 6.3 ग्राम है, 35 सर्विंग। इसमें ओपन लेबल तो नहीं है, हिडन लेबल है, बट इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ करे गए हैं वो लिखे हुए हैं। साइकोटिक ब्लेंड इसमें यूज़ जो उन्होंने नाम दिया है, लगभग 4.5 ग्राम का है वो साइकोटिक ब्लेंड। उसमें बीटा एलेनाइन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, कैफीन एनहाइड्रस, ऑर्डेनाइन और डाइमिथाइल इथेनॉल अमीन, राउवोल्फिया वोमिटारा एक्सट्रैक्ट, योहिम्बाइन, होपरजाइन, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ करी गई है। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है दोस्तों वो है एमपी बेरी, जो कि एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ऑफ लिचेक न्यूट्रिशन का।
तो दोस्तों ये इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, और ऑफ कोर्स कैफीन तो इसमें है ही। तो इसमें बताया नहीं गया है कि कितनी इसमें अमाउंट यूज़ करी गई है, बट दोस्तों आप यकीन करना, या फिर कोई भी आपके फ्रेंड्स ऐसे हों जिसने ये प्री वर्कआउट यूज़ करा हो, उससे आप इसका रिव्यू लेना और आप फिर एक बार ट्राई करना और मुझको बताना कमेंट्स में कि आपको ये प्री वर्कआउट कैसा लगा। प्राइस भी इसके अगर देखा जाए तो काफ़ी इकोनॉमिकल है। ये आई थिंक 1800 to 2000 के बीच में आता है। बट अगर देखा जाए इसमें 35 सर्विंग है, बट इसमें जो दिया गया है बिगिन विद हाफ स्कूप। हाफ स्कूप से दोस्तों इसे स्टार्ट करना है और हाफ स्कूप से ज़्यादा नहीं लेना है, और हाफ स्कूप में भी आपको ये इनसेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। अगर हम इसका हाफ स्कूप भी यूज़ करते रहते हैं तो इसमें 70 सर्विंग हमारी बन जाती है, और अगर उससे हम कैलकुलेट करें तो ये हमें बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट पड़ेगा। और अगर हम चाहें तो जिस दिन हमारा हैवी वर्कआउट करने का मन हो तो उस दिन हम इसका एक स्कूप भी यूज़ कर सकते हैं और हम इस प्री वर्कआउट के फ़ायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो इसे ज़रूर रेकमेंड करूँगा, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। मैंने इसे ख़ुद ट्राई करा है और मुझे तो ये, मैंने लेग्स में जिस दिन मेरा लेग्स था उस दिन मैंने इसे यूज़ करा था, उस दिन तो मुझे इसने बहुत ही ज़बरदस्त वर्कआउट कराया था। तो मैं तो आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप इसे एक बार यूज़ करें और मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको ये प्री वर्कआउट कैसा लगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, थैंक्स एंड गुड बाय।